अगली खबर में बात करते हैं उज्जैन की, जहां खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन शहर में शनिवार को पहुंचने पर टॉर्च रैली का स्वागत करने के लिए सांसद, कलेक्टर, जनप्रतिनिधि और नगर के खिलाड़ी मौजूद थे। स्वागत के बाद टॉर्च रैली विभिन्न मार्गों से होकर स्पर्धा स्थल माधव सेवा न्यास पहुंची। इस दौरान बड़ी संख्या में नगर के खिलाड़ी भी शामिल हुए। खेलो इंडिया यूथ गेम्स के तहत उज्जैन शहर में 1 से 3 फरवरी तक राष्ट्रीय स्तर की योगासन प्रतियोगिताएं एवं 6 से 10 फरवरी तक मलखंब प्रतियोगिताएं आयोजित की जाएंगी। देश से 18 वर्ष से कम आयु के करीब 500 से अधिक छात्र प्रतियोगिता में भाग लेंगे। खेलो इंडिया आयोजन के तहत भोपाल से प्रारंभ होकर विभिन्न जिलों से होकर नीमच होते टॉर्च रैली शनिवार शाम को उज्जैन पहुंची। टावर चौक पर सांसद अनिल फिरोजिया, संत सुमन भाई, कलेक्टर आशीष सिंह, SP सत्येंद्र कुमार शुक्ल ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5 के अंतर्गत टॉर्च रैली का स्वागत कर रैली को आयोजन स्थल की ओर रवाना किया। टावर चौक से शुरू होकर टॉर्च रैली चामुंडा माता चौराहा, देवास गेट, मालीपुरा, दौलतगंज चौराहा, गुदरी चौराहा होते हुए माधव सेवा न्यास पहुंची। इस अवसर पर सोनू गहलोत, पूर्व महापौर मीना जोनवाल, बहादुर सिंह बोरमुंडला, अनिल जैन, विद्यालय व महाविद्यालयों के विद्यार्थी युवा मौजूद थे। उल्लेखनीय है कि खेलो इंडिया यूथ गेम्स का 5वां संस्करण मध्य प्रदेश में आयोजित हो रहा है। टॉर्च रैली विगत 7 जनवरी को भोपाल से प्रारंभ होकर विभिन्न जिलों से होकर नीमच होते हुए शनिवार को उज्जैन पहुंची। उज्जैन पहुंचने पर रैली का स्वागत कर इस रैली को आयोजन स्थल माधव सेवा न्यास तक ले जाया गया। खेलो इंडिया खेलो का आयोजन पूरे देश में किया जा रहा है, उसी में मेजबानी इस बार हमारे मध्य प्रदेश को मिली है। खेलो इंडिया यूथ गेम्स 5.5 टॉर्च रिले का आज यहां पे आगमन हुआ, उसका हम सबने स्वागत अभिनंदन करा है। और उज्जैन को भी यहां पे एक योग और मलखंब हमको यहां पे गेम मिले हैं, जिसमें सभी ऑल इंडिया की टीमें यहाँ आएगी। खेलो इंडिया का कार्यक्रम मध्य प्रदेश में होने वाला है और उज्जैन में मलखंब और योग के 2 कार्यक्रम होने हैं, और उसके लिए जो माहौल बनाने का काम है, जन जागरूकता का काम है, ब्रांडिंग का काम है, उसी के तहत आज ये टॉर्च रैली निकाली जा रही है। निश्चित रूप से मध्य प्रदेश के लिए और उज्जैन के लिए सौभाग्य की बात है।